हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंदर वीडियो। तो संजू आर्ट्स का जो ड्राइंग हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में आउटलाइन किया था, आज मैं उसे कलर करने वाला हूँ। और आउटलाइन हमारा पूरा कंप्लीट हो गया था। मैं ये वाला पिक्चर ग्रिड की मदद से किया था और इधर बूस्टो का A4 साइज का पेज है। और आज मैं ऑयल पेस्टल से नहीं करूँगा, पूरा ड्राइंग मैं कलर पेंसिल से करूँगा। और इधर मैं आर्टिस्ट का कलर पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ जो बूस्टो का है, और 72 शेड में जो आता है उसी कलर से मैं आज ये वाला जो ड्राइंग है वो कलर करूँगा। और सबसे जो टेंशन का बात है वो है कि मैं कभी भी कोई पोर्ट्रेट इससे पहले पूरा कलर पेंसिल से नहीं किया है। मैं मिक्स मीडियम का यूज़ करके भी पोर्ट्रेट किया है, लेकिन पूरा कलर पेंसिल से मैं कभी भी कोई भी पोर्ट्रेट को नहीं किया है। तो इसलिए थोड़ा बहुत टेंशन तो है कि कैसा आएगा रिज़ल्ट। तो आप लोग देखते रहिए कि कैसा होता है। और मैं इधर सबसे पहले जो आई है उसी से ही कलर स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा जो ब्राउन कलर है उसको करूँगा, लो प्रेशर देके सबसे पहले वो वाला कलर अप्लाई करूँगा। देन उसके बाद धीरे धीरे करके मैं स्किन टोन का जो कलर है वो अप्लाई करूँगा। मैं इधर फेस्टिन कलर यूज़ कर रहा हूँ। देन उसके बाद मैं व्हाइट कलर से थोड़ा बहुत मैं ब्लेंड कर दूँगा, और उसके बाद मैं लाइट ब्राउन का भी यूज़ करूँगा। जिस पोर्शन में थोड़ा बहुत डार्क है उस पोर्शन में मैं वो वाला कलर यूज़ करूँगा। और देन आईबॉल करने के लिए मैं सबसे पहले डार्क ब्राउन यूज़ करूँगा, देन उसके बाद मैं ब्लैक कलर को यूज़ करूँगा। तो इसी तरह आपको रेफरेंस पिक्चर को अच्छे से देखना है कि इस एरिया में कैसा है स्किन कलर, लाइट है या डीप है, वो वाला आपको देख के धीरे धीरे करके आपको करना होगा। जैसा कि मैं देखिए फोरहेड के ऊपर जब मैं कलर अप्लाई कर रहा हूँ तो जिस पोर्शन में डार्क लग रहा है उस पोर्शन में सबसे पहले मैं जो लाइट ब्राउन है यानी कि जो ब्राउन शेड है उसे मैं यूज़ कर रहा हूँ। देन उसके बाद मैं येलो कलर यूज़ कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं ब्राउन कलर फिर से यूज़ करके स्किन कलर देके मैं हल्के से वाइट कलर से इसको ब्लेंड कर देंगे। तो कोई भी कलर आपको या फिर कोई भी कलर पेंसिल आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर देके आपको अप्लाई नहीं करना है। अगर आप एक सॉफ्ट स्किन टोन चाहते हैं तो आपको धीरे धीरे करके बहुत ही लो प्रेशर देके लेयर के ऊपर लेयर देके आपको स्किन टोन रेडी करना होगा। यानी कि पेंसिल जो कलर से अगर आप कोई भी ड्राइंग को कलर करेंगे तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि एक लेयर के ऊपर एक लेयर देना है। अगर आप सबसे पहले जो नीचे का लेयर है अगर वो आप ज़्यादा प्रेशर देके करेंगे तो ऊपर में कोई भी कलर आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे और उसके बाद ब्लेंड भी नहीं होगा। तो इसलिए सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है कि कलर को हमको धीरे धीरे करके बहुत ही लो प्रेशर से आपको अप्लाई करना है, तभी लेयर के ऊपर लेयर जो कलर आप अप्लाई करेंगे वो अच्छे से ब्लेंड होगा। तो चलिए इसी टिप्स की मदद से हम लोग आज कलर कंप्लीट कर लेते हैं।